इस तरह के सवाल आएंगे इस साल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम आए हैं एक नई सीरीज में, जिस सीरीज का नाम है इस तरह के सवाल आएंगे इस साल। आएंगे क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों हम क्या करवा रहे हैं आपको, सीबीएसई सैम्पल पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन, जो सीबीएसई ने इस बार लेटेस्ट सैम्पल पेपर भेजा है, जो लेटेस्ट न्यू पैटर्न है, उस पे जो सेक्शंस बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चों सेक्शन ए और सेक्शन बी की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन करे हैं मैंने, और जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो हम करने वाले हैं फिजिक्स का सेक्शन सी करने वाले हैं, सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर। बच्चों इसमें चेंजेस क्या है? इसमें 5 सेक्शन आ रहे हैं और असर्शन, रीजन और पैराग्राफ्स, इस तरीके से जो है सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने सेक्शन बी में डिटेल में बताया हुआ है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं। सेक्शन ए भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, बट आज हम सेक्शन सी करने वाले हैं। और सेक्शन सी कितने मार्क्स का है बच्चों? सेक्शन सी जो है वो है 2 मार्क्स का। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। बेसिकली सेक्शन सी जो है बच्चों वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, SAQ, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बच्चा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है? इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन। अब क्या दिया हुआ है आपको? ऐसा चॉइसेस नहीं दी हुई है आपको, इंटरनल चॉइस दी हुई है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ उसके साथ और दिया हुआ है, ठीक है? तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। ऐसा ही सेक्शन ए में भी किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, और जो कि आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है? तो बच्चों देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा है, अगर आप इसको रीड करते हैं, अच्छे से रीड करना एक बार, ठीक है? वीडियो को पॉज करके रीड करना खुद से, मैं बाकी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। बोला है दो स्ट्रेट वायर है वो फिक्स है, सो दैट द करंट इन द लेफ्ट वायर इज 2 एम्पियर, लेफ्ट वाले वायर में करंट है 2 एम्पियर, और जो एंड डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, मतलब ये अगर पेज है, ये जो पेज है इससे जो करंट है वो आउटवर्ड आ रही है। कैसे आ रही है? आउटवर्ड आ रही है, आपके स्क्रीन पे आ रही है, ओके? अच्छा, द करंट इन द राइट वायर 3 एम्पियर, इसमें कितना है? 3 एम्पियर करंट है, इसमें 2 एम्पियर है, एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, मतलब इसमें जो करंट जा रही है वो इनवर्ड जा रही है बच्चों, बोर्ड के इनवर्ड। अब समझना इस चीज को कि ये डॉट है मतलब आउटवर्ड, ये क्रॉस है मतलब इनवर्ड, ठीक है? डॉट मतलब आउटवर्ड और क्रॉस मतलब इनवर्ड, ये तो कन्वेंशन आप जानते ही हो। नहीं याद है तो ऐसे में याद कराता हूं बच्चों को, ऐसे याद कर लो, DOCI, डॉट माने आउटवर्ड, क्रॉस माने इनवर्ड्स, ठीक? अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन विच रीजन इज और आर देयर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बच्चा ये एक्स एक्सिस है, एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर्स। क्या बोला है आपसे कि ये जो वायर का कॉम्बिनेशन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 दे रखा है, एक ऐसे वायर लगा रखा है इधर और एक इधर, और इस वाले वायर में करंट जो जा रही है आउटवर्ड और इस वाले वायर में करंट आ रही है इनवर्ड, तो इन दोनों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, मतलब रीजन 1, रीजन 2 या रीजन 3 में, इन तीनों में से किस में जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, ये आपको बताना है और जस्टिफाई भी करना है। बात समझ में आ गई? देखो बच्चा 2 नंबर का सवाल है, बट कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों कैसे हम देखेंगे। इधर आओ फटाफट से बच्चा, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जब भी स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करता है तो कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल, ओके? तो राइट हैंड थंब रूल की अगर बात करें तो करंट कैसे आ रहा? आउटवर्ड, आउटवर्ड लगा दिया क्या? सबको राइट हैंड, बेटा यूज करो अपना राइट हैंड, फटाफट यूज करो, यूज द राइट हैंड एंड यूज द पेन, पेन को ग्रैब कर लो ऐसे। तो क्या देख रहे हो आप? इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ये इनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, ठीक है? इस वाले वायर को 1 बोल देता हूं, इस वाले वायर को 2 बोल देता हूं, तो दिस इज B1, दिस इज B1, ठीक है? सिमिलरली ऐसे घूम के यूं जाएगी बेटा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम रही होगी, ऐसे घूम रही होगी। एक कलर ले लेता हूं यहां पे समझाने के लिए आपको, कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस तरीके से घूम रही होगी, ठीक है? तो आपको जो इस वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? यूं जाएगी, तो दिस इज B1 ड्यू टू दिस। क्लियर? क्लियर है सबको? ओके आगे बढ़ते हैं। रीजन 2 की बात करो, रीजन 2 में क्या हो रहा है? करंट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट बाहर आ रहा है, तो कैसे लेंगे बेटा? थंब इस तरफ, थंब आपका इस तरफ जहां करंट आ रहा है, सॉरी इनवर्ड जा रहा है, तो करंट ऐसे, तो थंब जो है इनवर्ड डायरेक्शन में और आप अपने पाम को कर्ल कर दोगे, तो क्या देख रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, ठीक है? इस तरीके से घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इस वाले रीजन में कितना हो जाएगा? इस तरफ बेटा इनवर्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले रीजन में क्या हुआ? डाउनवर्ड, दिस इज B2 और यहां पे B2, ठीक है? आ जाओ
अब केस स्टडी, अब समझते हैं इसको बेटा। B1, B2 दोनों ऐड अप हो रहे हैं, तो इस वाले रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, रीजन टू में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्या बात क्लियर है, क्या यहां पे बात क्लियर है? ओके अच्छा, रीजन थ्री और रीजन वन की बात करता हूं बेटा। अगर मैं रीजन वन की बात करूं, रीजन वन से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मतलब जो वायर वन है, वायर वन से मैग्नेटिक फील्ड रीजन वन में डाउनवर्ड है, तो इस तरफ क्या है, अपवर्ड है। तो बेटा यहां से भी अगर B1 बनाओ तो B1 इस तरफ जाएगा, यहां पे B1 इस तरफ जाएगा यहां पे। अच्छा क्यों बेटा, क्योंकि इस तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे यूं कर्व जा रहा है ऐसे करके, तो यूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा ना, यहां से नहीं जाएगा, इस तरफ से जाएगा इस तरफ, ठीक है। सिमिलरली B2 की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, तो यहां से B2 इधर है, तो इधर से B2 कैसे जाएगा, इस तरफ जाएगा। बेटा अब रीजन 2 और रीजन 3 को देखो अच्छे से, क्या देख रहे हो, B1 B2 अपोजिट डायरेक्शन, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे और यहां पे जीरो आएगा, क्या आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जीरो कहां पे आएगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से अगर आर पॉइंट पर को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है, B = μ0I/2πr, सिंपल μ0I/2πr। बेटा करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, क्लियर? क्या देख रहे हो आप, यू आर लुकिंग एट करंट एंड डिस्टेंस, करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम। ओके तो अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, किस वाले रीजन 3 की, तो बेटा B2 यहां पे ज्यादा होगा, B2 विल बी मोर हियर, और B1 जो होगा वो कम होगा, B1 जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो B2 माइनस B1 करेंगे, ठीक है। अब एक मैग्नीट्यूड की बात बताओ मुझे, मैग्नीट्यूड की बात बताओ कि अगर मैं B1 लिखूं, B1 शुड बी लेस देन B2, क्यों? क्योंकि बेटा B1 का करंट कम है और वायर 2 का करंट ज्यादा है। बेटा वायर 1 का करंट कम है और वायर 2 का करंट इज मोर, क्लियर दोनों? तो B1 इज लेस देन B2, मतलब B2 ज्यादा है। तो बेटा अगर B2 ज्यादा है और B1 कम है, ठीक है, और B1 और कम हो जाएगा, क्यों, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इस वाले वायर से इस वाले वायर का डिस्टेंस, मतलब वायर 1 से रीजन 3 का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो B1 की वैल्यू और कम हो गई, तो नेट तो जीरो नहीं आएगा, क्लियर, नेट जीरो नहीं आएगा रीजन 3 में। अब कौन सा, रीजन 1, आ जाओ रीजन 1 को देखते हैं फटाफट से। देखो रीजन 1 को बेटा क्या देख रहे हो, सर ठीक है आप कह रहे हो कि B2 माइनस B1 करेंगे क्योंकि B2 है B1 से ज्यादा, ठीक है, बट बेटा B1 की वैल्यू यहां पे थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि रीजन 1 वायर 1 के पास है, पर रीजन 2 जो है, मतलब जो वायर 2 है, जो आपकी वायर 2 है, उसका डिस्टेंस देखो बेटा बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस रीजन 1 से बढ़ रहा है। भाई रीजन 1 से वायर 2 का जो डिस्टेंस वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि बेटा डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, तो इसका मतलब B2 ज्यादा है, इट्स ओके, B2 इज ग्रेटर, बट जितना रीजन 1 पे अगर देखूं, अगर मैं B2 की वैल्यू को रीजन 1 पे लिखूं, तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा कम हो रही है, ठीक है, B2 जो है करीब करीब B1 के बराबर आ जाएगा। तो हम पॉसिबली क्या बोल सकते हैं कि इट कैन बी जीरो एट लेफ्ट साइड ऑफ रीजन 1, ठीक है, रीजन 1 में जो है क्या लिखोगे, रीजन 1 में जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो जीरो है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट था। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, सिंपल लिखोगे, इन रीजन 1 द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर 1 एंड ड्यू टू द वायर 2 विल अप्रोक्सीमेटली मे बी इक्वल, ठीक है, इक्वल हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है रीजन 1 में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। क्या आप लोगों का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से, मैं वहां पर जाके बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं, क्या क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, वहां पर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद फेज एंगल, विद फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। बच्चा वेव ऑप्टिक्स से सवाल पूछा है, डिफ्रेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट पूछा है इसका, इंटर इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। बेटा ग्राफ बहुत सिंपल है, मैं यहां ग्राफ बना देता हूं। अगर आप यहां पे इंटेंसिटी बनाओ और यहां पे आप बना रहे हो फेज एंगल, ठीक है, एंगल बना रहे हो, ठीक है, तो बेटा ग्राफ कैसा बनता है, ओके, तो यहां पे जो है बेटा थोड़ा सा बीच में बनाता हूं तो सही रहेगा। देखो बच्चों मैं पहले वाले के लिए पहले कर रहा हूं, ठीक है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको पेपर में, अगर और दिया हो तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। यहां पे क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट के लिए बात कर रहा हूं,
तो बेटा कैसा होता है, सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम होता है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसके बाद इंटेंसिटी घटती चली जाती है, इंटेंसिटी घटती चली जाती है, ठीक है। सेम यहां पे भी होगा, ठीक, दिस विल बी द ग्राफ। अब क्या लिखोगे, यहां पे इंटेंसिटी आ गया, बट यहां क्या लिखोगे बेटा, यहां पे लिखोगे लैम्डा बाय ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही देखेंगे वो लोग, लैम्डा बाय ए, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमा बन रहा है 2 लैम्डा बाय ए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमा कहां कहां बनेगा, यहां पे क्या होगा 3 लैम्डा बाय ए, क्या सबको दिख रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। अच्छा ये 0, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय ए लेफ्ट साइड में, यहां पे क्या हो जाएगा -2 लैम्डा बाय ए, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा -3 लैम्डा बाय ए। बेटा तो ये आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है फिंजेस का, ठीक है, दीज आर मैक्सिमा, जो पीक दिख रहे हैं वो मैक्सिमा है, जो आपको जहां पे ये इंटेंसिटी 0 दिख रही है मिनिमा है, ठीक है, कहां कहां मिनिमा आएंगे ये मैंने यहां पे बना दिया है, क्या सबको समझ में आ गया है, ठीक है, ओके बच्चा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सवाल देखो कैसे करेंगे, क्या बोला है, बोला है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन एन मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एन मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, पैटर्न विद इन दिस सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न, क्या बोला है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, स्लिट विड्थ क्या होनी चाहिए कि एन मैक्सिमा जो है, एन मैक्सिमा जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के किसके अंदर आ जाए, किसके अंदर, विद इन दिस सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, किसके अंदर, कि जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सेंट्रल मैक्सिमा आएगा उसके अंदर आ जाए, मतलब इधर आओ, मतलब इधर आओ भाई, इधर आओ, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं आप लोगों को क्या मतलब है इसका। मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, ये सिंगल स्लिट, अब मान लेते हैं कि इसी के ऊपर या इसी के साथ में ही तुमने क्या लगा रखा है, अच्छा छोड़ो, तो यहां तुम्हारा क्या स्क्रीन है, कितना डिस्टेंस है डी, ठीक, सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनेगा बेटा, विड्थ कितना है सिंगल स्लिट में, विड्थ को हम क्या लेते हैं, स्लिट विड्थ को, गैप को, स्लिट के विड्थ को हम लेते हैं ए, ठीक है, ओके, तो बेटा आपका क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, रफली बना रहा हूं, ओके। अब क्या है, अगर मान लो यहां पे एक वाईडी ऐसी लगा दी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां पे एस वन, यहां पे एक और स्लिट एस टू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, स्मॉल डी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बेटा, अब देखो ध्यान से देखो, पिक्चर देखो, यहीं पे क्लियर हो जाएगी, यही है कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं है कॉन्सेप्ट, यही है, यही जो मैं बताने, और यही यही, अच्छा आ जाओ फटाफट देखो कि बोला है n सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा में n नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाए, n नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाए किसका, वाईडीएससी का, वाईडीएससी में क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी सबका सेम होता है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर ऐसे कितने मैक्सिमा आएंगे, n आएंगे बेटा, n आएंगे, n आएंगे, तो कैसे रिलेट करोगे, हाउ विल यू रिलेट, हाउ विल यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, बेटा देखो यहां पे फटाफट कैसे करने वाले बेटा, सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, व्हाट शुड बी नो, द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्या लिख रहा हूं मैं, लीनियर, बेटा पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहां पे, पूरा 2 नंबर का सवाल है तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, बोलो बेटा कितना होता है, फटाफट बोलो, बोलो बोलो, सोचो क्या हो गया, बताओ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, 2 लैम्डा d बाय a, 2 लैम्डा d बाय a, क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एंड द स्क्रीन, और a क्या है, स्लिट विड्थ, किसका, डिफ्रैक्शन का, ओके, ये गैप। अब हमें करना क्या है, सर अगर मैं एक एक फ्रिंज विड्थ, जो कि फ्रिंज विड्थ कितना, मैक्सिमा का, ठीक है, फ्रिंज विड्थ मैक्सिमा का, YDSC में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इन YDSC इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी का डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, और ये स्लिट के बीच का गैप हो गया, ठीक है, ओके, तो ये आता है आपका फ्रिंज विड्थ। तो बेटा एक विड्थ अगर बीटा है तो एन नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने के बराबर हो जाएगा, सर कितने के बराबर हो जाएगा, सर बहुत सिंपल बात है, सर ये तो बहुत ही सिंपल बात है, सर एन बीटा के बराबर हो जाएगा, और सर ये एन बीटा हो जाएगा, तो ये एन बीटा इस पूरे के पूरे लीनियर विड्थ के बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो गैप है, अगर इनके लिए सबके कैलकुलेट करो तो एन बीटा हो गया, और इसका कितना है 2 लैम्डा d बाय d, तो 2 लैम्डा d बाय a से कैलकुलेट कर देंगे बराबर, वैल्यू पुट करो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था, बहुत ही सिंपल, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको दिमाग में हिट करना चाहिए कैसे करना है, ये आपने लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दिया, और क्या बचा, डी से डी कैंसिल कर दिया, तो एन इज इक्वल टू 2 डी बाय ए, ठीक है, ये रिलेशन आ गया है, बस कहानी खत्म,
ठीक है, कुछ भी निकाल लो यहां से, क्या निकाला, डी निकालना है, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू एन ए बाई टू। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए क्या बोला था, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। ठीक है, तो ईच स्लिट मतलब ये ए अगर निकालना है तो ए भी निकाल सकते हैं, जो भी आप निकालना जो निकाल सकते हो, बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, टू डी अपॉन ए। ओके, ये निकल गया आपका। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है बेटा, आ जाओ फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है। ये डेरिवेशन है बच्चों, क्या डेरिवेशन है, डेरिवेशन पूछता है आपसे कि डिड्यूस एन एक्सप्रेशन। बेटा दो क्वेश्चन है, मैं दोनों पार्ट कर रहा हूं, आपको दोनों में से कोई एक करना है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या पूछते हैं, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड पोजीशंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो है डेरिवेशन करनी है, आ जाओ फटाफट से देखते हैं कैसे करेंगे, आ जाओ। बेटा मान लो कि आपके पास सोर्स चार्जेस है, क्या है, सोर्स चार्ज, यहां पे क्या रखा हुआ है, सोर्स चार्जेस, मतलब इनकी वजह से इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं किसी पॉइंट चार्ज को लेके आता हूं यहां पे Q1 चार्ज को, तो कितना एनर्जी, कितना काम करना पड़ेगा, बोलो बेटा कितना काम करना पड़ेगा। बट अगर इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहां पे लेके आता हूं तो मुझे कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। बेटा देख बात सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इस रीजन में है तो इस पॉइंट पे क्या बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे जो है पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, ये अगर पहला पॉइंट है तो इस पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए बेटा, Vr1। ठीक है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट किस चार्ज को लेके आ रहा हूं, Q1 चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है Q इंटू वी, क्या समझ में आया। ठीक है, अच्छा बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाया Q2 चार्ज है, पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग हो जाएगा, कितना, Vr2 रिप्रेजेंट कर दिया, क्या लिख दिया, Vr2। ठीक है, अगर टेढ़ा लग रहा है तो उसको हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, Q2 Vr2 वेक्टर। ठीक है, ओके बेटा, तो हमने क्या करा, अगर वर्क डन निकालूं, क्या निकालूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, तो W1 अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा, Q Vr1 वेक्टर। अगर वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना हो जाएगा, Q2 Vr2। ठीक है, अब एक बात सोचो कि जब Q2 आया, पहले Q1 आया, पर जब Q2 आया, तब Q1 भी तो प्रेजेंट था, तो जब Q1 प्रेजेंट था तो उसके रेफरेंस में, मतलब उसकी भी तो वजह से जो है आपको उसके अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, उसको यहां पे लाने में, तो वो फॉर्मूला क्या होता है दी, हम क्या बोलेंगे, इन वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 अगेंस्ट Q1, कितना हो जाएगा बेटा, W3 अगर लिखूं, ठीक है, W3 क्या बोल रहा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 अगेंस्ट Q1, तो W3 क्या हो जाएगा, के मतलब 1/4πε0 Q1 Q2, बेटा इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका R2, तो इस वाले का क्या बोल देते हैं, R12, यही होता है। ठीक है, इसको आप U भी लिखते हो। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सबको जोड़ दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, कलर चेंज कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है बेटा, जोड़ दो, Q1 Vr1 plus K Q1 Q2 upon R1 R2। बेटा यही निकालना था, आपको यही एक्सप्रेशन जो है यहां पे डिराइव करनी थी, क्या समझ में आ गई सबको बात, तो पहला पार्ट आ गया है, ओके डन। चलो बच्चों, दो नंबर में था, कोई ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं थी, दो चार लाइनें लिखनी थी, ये एक्सप्रेस करना था, इट वुड बी डन। ठीक है, हो जाएगा ये। अच्छा, फिर क्या बोला, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, और पार्ट करा रहा हूं मैं, क्या करा रहा हूं उसका, और पार्ट, तो क्या बोला, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बेटा किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन ड्राइव करना है, तो क्या ड्राइव करने को कह रहे, पता आपको, ये बता सकते हो क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि प्रूव करके दिखाओ कि E = dE/dr होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ, कर सकते हैं बेटा, बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आ जाओ देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है यहां पे, ठीक, एक प्लस क्यू चार्ज है यहां पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, ओके, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट चार्ज को
एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पे लेके आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जा रहा हूं, और यहां का दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी आर बोल देते हैं, डी आर वेक्टर, ठीक है, डी आर बोल दिया, वेक्टर लिखने की भी जरूरत नहीं, सिंपल करते हैं, और सिंपल करते हैं, डी आर, ठीक है, दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस है डी आर, ठीक है, यहां से यहां पर लेके जा रहा हूं, ओके बेटा, यहां पे पोटेंशियल वी है और यहां पे पोटेंशियल वी प्लस डी भी हो जाएगा, क्यों बच्चा, क्यों हो जाएगा बेटा, जैसे जैसे आप चार्ज के पास जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस कम होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट देख लो, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है, रेडियस कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो वी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे चार्ज के पास जाओगे। तो अगर मैं बोलूं वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज ए टू बी कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, अगर सिंपल फॉर्मूला लगाओ तो एफ डॉट डी आर बेटा एफ डी आर कॉस 180, क्यों बच्चा, cos 180 क्यों बोला बेटा, q0 चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता है, फोर्स कहां लगेगी इस पे, फोर्स इधर लगेगी, पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, तो 180 आएगा, ठीक है, तो माइनस एफ कितना है बेटा, q0 into e और dr, इक्वेशन 1। क्या हम a से b जाने के लिए क्या कोई और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वर्क डन का, जी बच्चा कर सकते हैं, अगर मैं निकालूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी तो क्या होता है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इतना चार्ज q0 है, पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस वी, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डीवी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा, वी है वी प्लस डीवी माइनस वी, ये डिफरेंस आ जाएगा, तो यहां से कितना निकला, डीवी निकला, ठीक है, ओके बच्चा, अब इक्वेशन नंबर 2 बोल, दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने में क्या आ जाएगा आप फटाफट देख लो, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डीवी, बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट मार दिया, तो ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर, लो बेटा प्रूफ हो गया, क्यों बच्चा आ गया मजा, हो गया ना प्रूफ, ठीक है, सिंपल प्रूफ, ओके, पर सवाल यहां पे खत्म नहीं हुआ है, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, आगे क्या पूछा है, आगे आ जाओ देखो क्या पूछा है, कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन विद इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट अलॉन्ग माइनस जेड डायरेक्शन, बेसिकली ड्रॉ क्या करना है, आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करनी है जो जेड डायरेक्शन पे, मतलब परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन होगा, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या करे, पॉइंट आउट करे जेड डायरेक्शन में, आ जाओ उसको बनाते हैं, ये भी बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, ये बनाना क्या है आपने, बेसिकली ऐसे बना दो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो बहुत सारी, ठीक है, तीन बना देते बहुत है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जेड डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये आपकी एक्स, ये आपकी वाई, ठीक, तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से प्लेन में आ गई है, ये कैसे रखी हुई है बच्चों, दे आर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जेड ऊपर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, लिख दो यहां पर, पॉइंट आउट कर दो, ये क्या है सर, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, बस इतना ही करना था, और इसको लिख दो एक्स वाई प्लेन पे है, दे आर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, बस इतनी ही कहानी बतानी थी आपने, ओके, तो ये आपका जो है यहां से इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल बना लिया आप लोगों ने, इतना ही करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम, चलिए क्या बोला, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, सर्किट डायग्राम बना के क्या एक्सप्लेन करना है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, बट आपको बनाना क्या है, आपको बेसिकली ड्रॉ करना है कि पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ करना है जो एलईडी जो फोटोन एमिट करे, तो बेटा फोटोन कौन एमिट करता है, फोटोन एमिट करता है एलईडी, ठीक है, आपको एलईडी बनाना है, बेसिकली आपको एलईडी बनाना है जब वो फॉरवर्ड बायस्ड हो, कब वो फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, उसका डायग्राम पहले ड्रॉ करो, क्या करो, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे, आ जाओ फटाफट देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, सर हम ऐसे बनाएंगे, यूं करेंगे, कर दिया, ऐसे कर देंगे, ये भी कर दिया, बहुत बढ़िया सर, ये एन और ये पी, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करने वाले, थोड़ा सा हम क्या चेंज करें, कलर, ठीक है, कलर के बिना फील नहीं आता, तो बेटा यहां से हमने क्या कर दिया, इसको मेटलाइज कर दिया, यहां से भी क्या कर दिया, मेटलाइज कर दिया, यहां से भी क्या कर दिया, मेटलाइज कर दिया, ठीक, बहुत बढ़िया सर, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अब क्या बेटा, मेटलाइज कॉन्टेक्ट से यहां से आपने क्या करा, यहां से आपने लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, ओके, चलो
अब क्या कलर चेंज करते हैं, अब क्या कलर चेंज करते हैं, तो ओके एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा बेटा बैटरी भी तो लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगाएंगे, नहीं हाँ बिना बैटरी का काम कैसे बनेगा, ठीक है रेजिस्टेंस लगा दी यहाँ हमने। बेटा फॉरवर्ड बायस बोला है, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि ये एन टाइप है, ये एन पार्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो रहा है, पी पार्ट है यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन और यहाँ पे बी, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है फॉरवर्ड बन गया, देखो फॉरवर्ड वाइज बन गया ये, ठीक है यही था फॉरवर्ड वाइज, यही करना था फॉरवर्ड वाइज एलईडी बनानी थी आपको इसमें। और बेटा आखिरी चीज में ट्विस्ट ये है कि यहां से निकलेगा रेडिएशन, ठीक है यहां से निकलेगा रेडिएशन जिसकी एनर्जी एच नहीं होगी, क्लियर, तो यही आपका डायग्राम बनाना था, ठीक है। अगर लेबल करना चाहते हो तो इसका नामकरण कर सकते हो, दीज आर मेटलाइज्ड कॉन्टेक्ट, इतना सा डायग्राम बनाना था, क्या बन जाएगा ये बताओ, ठीक है इतना ही बनाना था इसमें डायग्राम, ओके। अब क्या बोला है, अब इसको एक्सप्लेन करना है, बोला एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम, अच्छा मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर मैं बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेटा फॉरवर्ड वाइज करा, यहाँ पे क्या होगा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन क्या बोले, व्हेन जंक्शन इज पी जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, होल्स को पी से एन में ट्रांसफर करा जा रहा है, ठीक है सेंड करा जा रहा है, नियर द जंक्शन, जहां जंक्शन है, यहाँ जंक्शन है आपका, ठीक है वहां पे क्या हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेस एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो जैसे ही ये जाएंगे सेंड होंगे तो कंसंट्रेशन जो है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ने पे क्या होगा, ऑन दी वो दोनों जो है एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ, क्या होता है यहाँ पे जो होगा कॉम्बिनेशन चालू हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विद द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ऑन आइदर साइड नियर द जंक्शन, जंक्शन के पास क्या होगा, द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स कंबाइन विद द मेजोरिटी कैरियर्स, तो जैसे ही रिकम्बिनेशन होता है एनर्जी फॉर्म होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, फोटोन कहलाती है, ठीक है तो फिर इसमें से एलईडी में से लाइट निकलती है, समझ में आ गया बेटा, एलईडी में फॉरवर्ड बायस करते हो तो वो लाइट एमिट करती है, तो यही करना था इसमें। लास्ट एक छोटा सा सवाल पूछा है जिसका बेटा मार्किंग स्कीम भी सुन लो, यहाँ पे मार्किंग स्कीम ये है यहाँ पे, ठीक है कि मार्किंग स्कीम मैं यहां से कलर ले लेता हूँ ब्लैक, बेटा डायग्राम बनाने के आधे मार्क्स, एक्सप्लेन करने के वन मार्क, इसलिए मैंने इतनी सारी लाइनें यहाँ पे चिपकाई हुई है, ठीक है मैंने अपने मन मर्जी से नहीं करा है, वन मार्क का लाइन है तो वन मार्क के हिसाब से लिखना भी है, और बेटा दो मार्क्स का सवाल है तो आधा मार्क इसके लिए, हाफ मार्क्स इसके लिए, इसके लिए क्या बोला है, स्टेट द लीस्ट बैंड गैप, स्टेट द लीस्ट बैंड गैप एनर्जी ऑफ दिस डायोड टू हैव एमिशन इन विजिबल रेंज, बेटा लीस्ट बैंड गैप बतानी है तुमको, ठीक है पर मैं आपको बता दूं पूरा बैंड गैप का मैं रेंज ही बता देता हूं आपको, पूरा बैंड गैप का रेंज ही बता देता हूं, विजिबल रीजन के लिए एलईडी का कितना होता है, 3 EV से 3 EV टू 1.8 EV, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो होता है रेंज होता है, पर अपन को क्या चाहिए, अपन को सर सिर्फ और सिर्फ चाहिए 1.8 EV, आंसर क्या होना चाहिए इसका 1.8 EV, क्योंकि हमें लीस्ट बैंड गैप एनर्जी पूछी है, क्या बात समझ में आ गई, ओके तो ये हमने करना था, तुम्हारा का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, क्या बोला गया है, अ कॉइल ऑफ वायर एनक्लोजिंग एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है विद इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, बेटा जैसे ही आप देखो ना प्लेन एंगल बना रहा है तो उसको 90 से माइनस कर दो, क्यों, थीटा क्या होता है, थीटा होता है प्लेन के नॉर्मल के साथ, थीटा किसके साथ होता है, प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल होता है, ठीक है प्लेन के नॉर्मल के साथ, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्यों बेटा सीधा माइनस कर दिया मैंने, ठीक है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया तो मैं 90 से माइनस कर रहा हूँ, 90 माइनस 60 कितना हो गया 30, ठीक है थीटा 30 ले लो, ओके मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फ्लक्स पूछा है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, बी कितना है 10^-1, अच्छा ए कितना है 100 × 10^-4, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में, cos 30 मतलब होता है √3/2, ठीक है तो बच्चे उसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता रहा हूं करीब करीब आपकी वैल्यू आएगी आपकी 0.866 × 10^-3 वेबर, ये आपकी वैल्यू आ जानी, ठीक है सॉल्व कर लेना, ओके तो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, अगर गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी गलती नहीं है, ओके तो 0.866 इतना आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, आगे क्या पूछा है,
इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, अगर मैग्नेटिक फील्ड को घटा के जीरो कर दिया जाता है 10⁻³ सेकंड में, ठीक है, 10⁻³ सेकंड में, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ. बच्चे इंड्यूस ईएमएफ निकालेगा, क्या फॉर्मूला होता है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt, ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड निकालने का. तो बेटा जीरो कर दिया, तो जीरो कर दिया मतलब इतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, इतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स है. तो 0.86 इंटू 10⁻³ से किसको डिवाइड कर दिया आपने, 10⁻³ को डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो करीब करीब कितना आ गया आपका, आपका कितना वोल्ट आ गया, 0.87 वोल्ट. डन. तो ये आपका राउंड ऑफ करेगा 0.87 वोल्ट के अराउंड आ गया आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हम लोगों ने कर लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मूले पे सवाल पूछा था और कुछ भी नहीं था, ठीक है. कोई बच्चे बोलेगा सर d5 by dt क्यों करा, बेटा ऐसा है कि आप ऐसे भी कर सकते थे, E is equals to final flux minus initial flux upon time, तो बेटा वो भी वही बनता क्योंकि final flux zero हो गया है, ठीक है. अब zero minus something होता तो minus का आता, तो basically आप mod भी लेते हो उसका, ठीक है, तो आप mod भी लेते हो. तो वो सारी चीज हमने नहीं करी, बट टाइम बचा यार, थोड़ा कैलकुलेट करना तो कर दिया. समझ में आ रहा है ना, ठीक है, मजा आ रहा है, हर एक सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, सब सब सॉल्यूशन मिलेगा, सबका सॉल्यूशन मिलेगा. अरे बाबा आ जाओ अगला, जो अगला क्या पूछे कि टू वेव्स फ्रॉम टू कोरेंट सोर्स, ठीक है, टू वेव्स फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेस एस एंड एस डैश, यहां पे क्या होना चाहिए, एस डैश, ठीक है, काले पेन से ही लिख लेते हैं एस डैश, ठीक है. अच्छा आगे बढ़ाते हैं सुपर इम्पोज एड एक्स, कहां मिलते हैं, एक्स पे सुपर इम्पोज हो रहे, दो सोर्स है एस और एस डैश, कहां मिल रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे एक्स पे, फिगर में दिखाया हुआ है. ओके, इफ एक्स इज अ पॉइंट ऑन द सेकंड मिनिमम, अगर बोला है एक्स जो पॉइंट है वो कहां पे, सेकंड मिनिमम n2, ठीक है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ दी वेव, वेव की जो वेवलेंथ निकाल ली. बच्चों वाईडी ऐसी है ना, यंग्स रिवर्सिबल एक्सपेरिमेंट की बात करें, टू कोरेंट सोर्स की बात करें, बेटा मुझे एक बात बताओ, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ लेंथ क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो होता है पाथ लेंथ, बेटा मैं फ्रिंज अच्छे से लिख नहीं रहा हूं, पी इज इक्वल टू एल लैम्डा होता है, ठीक है. और डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, डार्क फ्रिंज पी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा होता है, ठीक. डन. बट आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव गिवन एस एक्स माइनस एस डैश एक्स, मतलब तुम्हें दिया क्या हुआ, बेसिकली यू हैव गिवन दी पाथ लेंथ कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर. पर n अगर सेकंड है, अगर n2 है, तो डार्क फ्रिंज के लिए, बट इतना इजी सवाल आया ना, मुझे इसलिए हंसी आ रही है और कुछ भी नहीं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है. तो क्या हो जाएगा, 2 × 2−1 λ/2, ठीक है, 4.5. ओके, तो 3/2, तो 3/2 उधर सॉल्व कर दोगे तो 4.5 × 2/3, तो 9/3, तो आपकी आपका ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अब कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया आंसर. ओके, तो वेवलेंथ कितना आएगा, वेवलेंथ जो होगी लाइट की कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी. क्लियर सबको, बता दो फटाफट से. ओके, सबको क्लियर है, क्लियर है तो चलो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है, उनको भी थोड़ी नॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, तो कैलकुलेट कर लिया वेवलेंथ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमें थोड़ा डाटा पता होना चाहिए था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं पूछते, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ लेते हैं. अब क्या बोला, ड्रॉ दी एनर्जी बैंड डायग्राम, बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है एनर्जी बैंड डायग्राम, when intrinsic semiconductor germanium is doped with impurity atom antinomy, बेटा antinomy क्या पता है, antinomy क्या होता है, antinomy is pentavalent atom, कौन सा atom होता है बेटा, pentavalent मतलब valency, electrons ज्यादा हो जाएगी, तो अगर germanium के साथ मैं pentavalent atom को add कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, pentavalent अगर मैं intrinsic semiconductor के साथ add करूंगा तो हमें मिलेगा एक n type semiconductor, क्या मिलेगा, एक n-type semiconductor, ठीक है, n-type semiconductor मिल गया, ठीक है. अच्छा, और क्या पूछा है, name the extrinsic semiconductor, बेटा क्या है, सर extrinsic semiconductor तो n-type हो गया है, soft end बना दिया हमने, and majority charge carriers, अगर n-type है तो majority charge carriers क्या होगा, electrons होगा, ये भी आपने आंसर कर लिया, पर हमें बनाना क्या है, हमें सिर्फ एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, और एनर्जी बैंड डायग्राम कितना आसान है एन टाइप बनाने का, अभी देख लो बेटा, अभी सीख लो, बट अभी बना दूंगा एन टाइप बनाने का, कितना मुश्किल है, बहुत आसान है बेटा. यहां हमने बनाया कंडक्शन बैंड, इसको आपने लिख दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है, और बेटा इसमें हमने थोड़ी सी लाइनें खींच दी ऐसे ऐसे करके. ओके, अच्छा बेटा, इसका जो लोअर लेवल है, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे चलो अभी, तो ये आपका वैलेंस बैंड, दिस इज योर
वैलेंस बैंड लिख देते हैं, वैलेंस बैंड। ओके आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा कलर चेंज करा जाए बेटा। इसका जो नीचे वाला लेयर लेयर है, नीचे वाला जो लेवल है, लेवल लेयर तो नहीं लेवल है, उसको ईसी बोलेंगे, लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, और अपर लेयर ऑफ वैलेंस बैंड को हम क्या बोलते हैं, ईवी। दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, ईजी, एनर्जी बैंड गैप बोला जाता है। क्लियर? ओके अच्छा, बट इसमें की पॉइंट क्या है सर? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर ये एन टाइप से जो कि है, अगर नहीं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ही है, तो हम करेंगे क्या बेटा, हम यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे, कंडक्शन बैंड में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा देंगे, और यहां पे दिखा देंगे कम इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होल्स दिखा देंगे, ठीक है, होल्स दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होल्स दिखा देंगे, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, पर इसमें एक और की पॉइंट नहीं बनाऊंगा ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वो की पॉइंट क्या है आ जाओ देख लो, उसके बिना मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों बेटा? जो लेवल होगा ना इसका, डोनर एनर्जी लेवल ऑफ, डोनर एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, जो आपका डोनर एनर्जी लेवल होगा कहां पे होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो डोनर एनर्जी लेवल जो है जस्ट बिलो करेगा, किसके बिलो, कंडक्शन एनर्जी, लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड के, ठीक है। तो यहां बनेगा, यहां ये आपका ईडी, ईडी क्या है बेटा, ईडी क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ, सॉरी ईडी को क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। डोनर एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के लोअर, मतलब लोअर लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है, ठीक है, जस्ट बिलो होता है। तो ये आपका जो है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सेमीकंडक्टर का बैंड, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो है बैंड डायग्राम है। ओके तो इतनी सी चीजें हमने बनानी थी इसमें, तो इसी के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट इसमें हम लोगों ने कर लिया है, जो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया, ओके सब कुछ कर लिया, डन, एवरीथिंग इज डन, ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी हमने हमें बता दी। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 24, और 24 जो है आपका वो क्या कह रहा है देखो बच्चा, कि डिटरमाइन द, डिफाइन द टर्म्स मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस। बेटा मैं बता दूं, अभी समझ लो इसको, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ डिप को ही मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। मान लो कि ये मैग्नेटिक निडल है, मान लो कि ये मैग्नेटिक निडल है और इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो बेटा ये डिप निडल है, डिप निडल का मतलब ये कैसे मूव कर सकता है, इट कैन मूव लाइक दिस, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे मूव कर सकता है, ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो कहीं किसी रीजन में ले गया तो इस तरीके से ऐसे चला गया, तो जो आपका ये दिखाएगा ना, दिस इज योर मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये और इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ये, इसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, कि कितना जो है ये नीचे चला गया, कितना इसमें चेंज आया, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्या लिखा हुआ, इट इज द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान लो कि आपका जो मैग्नेटिक निडल है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, तो इसका मतलब यहां पे जो डायरेक्शन है वो टोटल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, तो उसके साथ हॉरिजॉन्टल का क्या आपका एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द एंगल मेड बाय द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेट के वर्टिकल प्लेन से एक वर्टिकल प्लेन पास कर दूं मैग्नेटिक एक्सिस से, तो वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका, व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डिप, अगर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पर डेफिनेशन लिखनी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्या बोला है बेटा, यही है कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो आपकी मैग्नेटिक निडल चली गई है ऐसे, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, आपका अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? BH, ठीक है, BH जो होता है वो होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस ऑफ डेल्टा, क्योंकि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। आगे क्या बोला है, अच्छा बेटा इसमें देखो क्या पूछा गया है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो दोनों के बीच का रिलेशन हमको निकालना है कि BH और B के बीच में क्या रिलेशन है, BH और B के बीच में क्या रिलेशन आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम निकालना है, ठीक है बेटा। ये तो रिलेशन है मैंने बता दिया, ठीक है, डेल्टा और BH के जो रिलेशन ये है, पर अब डायग्राम से हम समझ लेंगे इसको, डायग्राम से समझ लेंगे। आ जाओ अगली वाली स्लाइड पर, आ जाओ, कहाँ गया, ओके प्रेजेंटर ये रहा, तो अगली वाली स्लाइड पर आ जाते हैं बेटा, फटाफट से बना लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये डायग्राम आपने देखा होगा, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक निडल हैंग कर दिया इस तरीके से। इससे पहले मैं एक फ्रेम बना देता हूँ, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ठीक है, और ठीक है, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन,
जियोग्राफिक मेरिडियन में पूरा बना देता हूं फटाफट से, और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब मान लो कि कोई कंपास निडल, कंपास निडल तो नहीं है, एक मैग्नेटिक निडल है, वो कलर इसका येलो, इस तरीके से आपका एक मैग्नेटिक निडल ऐसे पॉइंट ऑफ कर रहा है उसका, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और यहां से उसको हैंग कर दिया है मतलब, ठीक है। तो बेटा ये आपका अल्फा होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो हमारी नीड नहीं है, बट ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है बी, ठीक है, ये टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है बी, ठीक है। तो एंगल ये जो आपका बना इसको बोलते हैं डेल्टा, कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो टोटल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो बेटा इसको अगर वेक्टोरियली तोड़ ले इसको, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका BV हो जाएगा इस तरफ वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, ठीक है। तो यहां से अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, BH इज इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा, ठीक है। और एक चीज लिख सकते हो आप, BV इज इक्वल्स टू बी साइन डेल्टा, ठीक है, ये भी हो जाते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आपको करना था, कर लिया हम लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, देखेंगे क्या पूछा है। और वाला कर रहा हूं बेटा, और वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस इज रूट थ्री टाइम्स दी वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोला गया है कि जो आपका यहीं पे कर देते हैं बच्चों, बोला गया कि बी वी है वो रूट थ्री ऑफ बी एच है, ठीक है। तो बोला गया व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एट दैट प्लेस, डेल्टा निकालना आपने, कैसे निकालोगे, अभी तो फॉर्मूला देखा आपने, बी वी इक्वल्स टू बी साइन डेल्टा। अच्छा बेटा आपको अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पे बी एच अपॉन, उल्टा डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन डेल्टा, ठीक है। तो बी वी क्या आ गया, बी वी आ गया आपका बी एच टेन डेल्टा, बी वी इक्वल टू बी एच टेन डेल्टा। बेटा दिया क्या हुआ है, बी एच इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ बी एच, तो ऊपर चलते हैं रूट थ्री बी एच इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू टेन डेल्टा, ठीक है। बेटा टेन थीटा रूट थ्री कब होता है, हाँ टेन थीटा, क्या ये मैंने सही करा है, बी वी बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज वर्टिकल, ओके उल्टा लिख दिया है बच्चों, बी एच इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ बी वी, अब ठीक है ये यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी तो गलती बच्चों लिखने में हो जाती है कभी कभार, इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, रूट थ्री बी वी हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे आपका बी एच इज इक्वल टू रूट थ्री बी वी, तो बी वी इज इक्वल टू वन अपॉन, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, बी वी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री बी एच, ठीक है, कैसे भी कर लो आप, मैं यहाँ पे बस आंसर आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, तो वन अपॉन रूट थ्री बी एच, ठीक है, बी एच से बी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो टेन थीटा कब, तो डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो रूट वन बाय रूट थ्री कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, क्लियर सबको, ठीक है। अब कुछ भी यहाँ से कुछ भी निकाल सकते थे आप, अब बी बी एच बाई बी वी निकालते तो भी आप कर लेते कैसे भी करके, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बी वी इज इक्वल टू बी एच टेन डेल्टा, ठीक है, सब ठीक है, आंसर भी एकदम करेक्ट है, आंसर में कोई भी शक करने वाली बात नहीं, एकदम प्रॉपर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, बल्कि खुद कर लेना यकीन ना हो, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। बच्चा थिन कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज क्या बनती है, उसके बारे में आपको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। बेटा क्या होता है, बेटा इमेज वर्चुअल बनती है, पहली बात क्या है, इमेज वर्चुअल बनती है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरी बात क्या बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, क्या बनती है, मैग्नीफाइड FIED, क्या बनता है बच्चों, मैग्नीफाइड FIED, ठीक है। और इसमें एक चीज लिख सकते हो क्या, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दो चीजें लिख दी, दो कैरेक्टरिस्टिक लिखना था, और क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इमेज वी विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इन दिस केस। बच्चा आप लोगों ने डायग्राम पता क्या देखा होगा, आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा क्या, कि यू नेगेटिव होता है, यू माइनस और वी पॉजिटिव, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से,
ठीक है, ये आपने प्लॉट देखा होगा कब, जब रियल इमेज फॉर्म करते हैं, जब रियल इमेज, जब वर्चुअल करेंगे तो तब क्या होगा, जब वर्चुअल करेंगे तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड में और इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड में v, तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे मतलब माइनस यू और माइनस वी। बेटा ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ इसका उल्टा, सेम इसका मिरर इमेज बनेगा। कैसे बनेगा बेटा, एक तो समझ लो कि ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्यों, क्योंकि आपका ये वी जो है वो इधर है यू माइनस एक्स एक्सिस पे और वी है माइनस वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा इसका उल्टा, जस्ट उल्टा बना दोगे आप इसका, जस्ट उल्टा, तो ऐसे ना बना के एकदम जस्ट उल्टा बना देते हैं हम, थोड़ा सा हमने जो वी एक्सिस को है उसको नीचे कर दिया है और यू को माइनस यू और माइनस वी, ठीक है बेटा, वी को उल्टा कर दिया, वी इधर था, वी वाई एक्सिस में था, वी को हमने उल्टा कर दिया, नीचे कर दिया, तो कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बच्चों देखो फटाफट देखो, ये इसका उल्टा बन जाएगा यू, ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आपका आ जाएगा। तो ये है आपका जो पूछा गया था, तो बच्चों इसी के साथ जो है सेक्शन सी हमने पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको दे दिया है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।